Hey guys, welcome back to my channel. और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Myntra एंड ऑफ सीजन सेल हॉल. इसमें मैंने काफ़ी सारे ना रेडी टू वेयर साड़ियाँ खरीदी हुई हैं, जो सिंपल सिंपल नॉर्मल साड़ियाँ होती हैं ना, वो परचेस की हुई हैं. साथ में कुर्ता परचेस की हुई, साथ में ट्राउजर परचेस किया हुआ है. तो यही सारी चीज़ें मेरे पास अभी आई हैं, तो मैंने सोचा कि चलो आपको दिखा देते हैं और आपको अभी भी डिस्काउंट पर मिले तो आप परचेस कर सकते हो. मैंने यहाँ पर मोस्टली अभी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं लिए हैं, सारे लाइट चीज़ें ली हुई हैं. सबसे पहले तो मैंने लिया हुआ है ये वाली एक ड्रेस, जो कि मैक्सी ड्रेस है, गेरुआ ब्रांड से है. इस ब्रांड में बहुत अच्छा ऑफ था, तो इस तरह की मरून कलर की कॉटन की ड्रेस है. कलर मुझे काफ़ी प्यारा लगा, प्रिंट बहुत ही प्यारा लगा. इस तरह से आपको हाफ स्लीव्स मिल जाएगी. फुल लेंथ की ड्रेस है जिसे आप कंफर्टेबली घर पे पहन सकते हो. तो मुझे इस तरह की ड्रेसेस चाहिए थी, जो मतलब बाहर नॉर्मली जाने के लिए, जैसे मार्केटिंग वगैरह करने के लिए, शॉपिंग, डेली ग्रोसरी वगैरह लाने के लिए काफ़ी अच्छी रहती है. और घर पर भी आप पहनते हो ड्रेसेस वगैरह, तो आप डेफिनेटली सब पहन सकते हो. बहुत ही सही लगी मुझे ये. कॉटन में ही एक और ड्रेस लिया क्योंकि इसमें बहुत ही ऑफ था. ये मुझे अंडर 500 रुपीज़ मिली है. तो ये जो कॉटन होती है ना ऑरलिया ब्रांड की, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही लाइट होती है. प्लस इसका कलर भी मुझे काफ़ी प्यारा लगा था. तो कुछ इस तरह का है ये. ये यहाँ पे आपको मिल जाएगी 3-4 स्लीव्स. इस तरह का प्रिंट पैटर्न है, ऊपर से प्रिंट नहीं है, क्लोथ इसकी प्रिंटेड है. और ये भी एक मैक्सी ड्रेस है कुछ इस तरह की. इसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लेयर है. नीचे के साइड में आपको कुछ इस तरह की बॉर्डर मिल जाएगी और साथ ही में बैक में आपको कुछ तरह की डोरी मिल जाती है टाई अप करने के लिए. तो ये ड्रेस मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. मतलब बहुत ही अच्छी फैब्रिक है, मतलब ऑसम है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है. तो इसलिए मैंने इन दोनों ड्रेसेस को लिया हुआ है घर पे मोस्टली पहनने के लिए. अब दिखाती हूँ मैं आपको कुछ साड़ियाँ जो मैंने ली हुई हैं. बहुत ही लाइट वेट है और आप डेफिनेटली जो टीन एज गर्ल्स हैं ना, जो बोलते हो आपको फ्रेशर पार्टीज़ वगैरह में पहनने के लिए साड़ियाँ चाहिए, तो वो डेफिनेटली ये साड़ियों को परचेस कर सकते हो. तो पहले तो मैंने लिया हुआ एक बहुत ही खूबसूरत सी ग्रीन कलर की साड़ी, जो कि है ब्रांड सांग्रिया से. और इसमें आपको एक इस तरह की मेहंदी ग्रीन कलर की साड़ी मिल जाएगी, जिसमें पूरे गोटा पत्ती का वर्क है. फैब्रिक इसकी जॉर्जेट की है, बहुत ही सॉफ्ट एंड स्मूथ फैब्रिक है ये. और आपको पूरी साड़ी कुछ इस तरह की प्लेन मिलेगी. प्लस आपको जो इसका ब्लाउज़ बनाना है वो आप देख सकते हो इमेज में कैसे बनाया हुआ है. साथ में इसमें ब्लाउज़ की फैब्रिक भी आपको सेम कलर में मिलेगी, बट आपको साथ में ये बॉर्डर मिल जाएगी जिसे कि आपको अपने ब्लाउज़ में डलवाना है. साथ ही में आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह की बेल्ट, जो कि साड़ी में आजकल बेल्ट जो डिज़ाइन चल रहे हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो कुछ इस तरह की बेल्ट मिल जाएगी. तो ये साड़ी ओवरऑल जब बन के आएगी ना ब्लाउज़ के साथ, तो बहुत ही अमेजिंग लगेगी. और मुझे इस तरह के लुक वाले साड़ी बहुत अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने इसे अपने लिए परचेस किया है. कलर भी बहुत ही डिफरेंट सा है इसलिए. नेक्स्ट मैंने ली हुई ये वाली साड़ी, ये भी अगेन विथ बेल्ट आती है. मैंने बहुत ही सिंपल बहुत ही खूबसूरत साड़ियाँ ली हुई है. इसका भी प्रिंट जो है ना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. प्लस जो फैब्रिक है थोड़ी डिफरेंट टाइप की फैब्रिक है, बट बहुत ही अच्छी फैब्रिक है. ये भी ब्रांड सांग्रिया से है और आपको पूरी साड़ी में कुछ इस तरह का प्रिंट मिलेगा. प्लस ये नॉर्मल साड़ी नहीं है, आपको इसके आँचल में कुछ इस तरह का फ्रिल मिल जाएगा. ये आप देख सकते हो कुछ इस तरह से फ्रिल आएंगे आपके आँचल में. तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्मार्ट लगते हैं इस तरह के साड़ी. प्लेन साड़ी आप अपने पसंद की ब्लाउज़ के साथ पहन सकते हो, स्लीवलेस ब्लाउज़, फुल स्लीव ब्लाउज़. तो कुछ इस तरह की है ये पूरी साड़ी. ये भी मुझे अंडर 1000 रुपीज़ मिली थी, 700 या 800 रुपीज़ में. तो इस तरह की है ये साड़ी और इसमें साथ में आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह की ब्लैक कलर की ब्लाउज़ के फैब्रिक. साथ में यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सी बेल्ट दी हुई है. ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से इस तरह की बेल्ट दी हुई है. ये भी आप अपने कमर में लगवा सकते हो और साड़ी पहनने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा ऑसम लगेगी. तो मुझे ये वाली साड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है. बेल्ट भी काफ़ी अच्छा है, इसे आप रीयूज़ भी कर सकते हो अपने ड्रेसेस के साथ, कुर्ता के साथ. पूरे सीक्वेंस वाले यहाँ पर आपको बेल्ट मिल जाएंगे. प्लस नीचे में कुछ इस तरह की पाइप वाली जो डिज़ाइन आती है ना आजकल, वो मोती के साथ लगाई हुई है. तो ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. मतलब दोनों ही बेल्ट काफ़ी अच्छे लगे. ओके, नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट. जैसे कि मैं बहुत सारे नए नए प्रोडक्ट हमेशा ट्राई करती हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए, तो ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब मैं जब से ये लॉन्च हुआ था तब से मैं इन्हें ट्राई करना चाहती थी. और मैंने इन्हें ट्राई किया और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है. खासकर अभी इस वेदर के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा सूटेबल है, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है. तो ममा अर्थ ने कुछ टाइम पहले लॉन्च किया है ममा अर्थ की एक्वा ग्लो रेंज, जिसमें कि हिमालयन स्प्रिंग वाटर यूज़ किया गया है. और इसलिए मैं इसे यूज़ करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी. जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो हिमालयन वाटर होता है वो
कितने ज़्यादा चमत्कारी होते हैं, उनमें काफ़ी सारे मिनरल्स होते हैं, इसलिए लोग कहाँ कहाँ से इन्हें हिमालय के कुंड में जाते हैं सिर्फ स्नान करने के लिए। एक आपने भी सुना होगा गौरी कुंड एंड खीर गंगा, यहाँ पे जो वाटर होते हैं वो कितने ज़्यादा चमत्कारी होते हैं। वो मतलब सिर्फ वहाँ पे वहाँ के कुंड में स्नान करने से ही लोगों की बहुत सारी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। साथ ही में हिमालयन वाटर में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी बॉडी को हील करने का काम करता है, साथ ही में हाइड्रेट भी करता है। सो इसलिए जब से मुझे ममा अर्थ के एक्वाग्लो रेंज के बारे में पता चला था तब से मैं इन्हें यूज़ करना चाहती थी। अब जब फाइनली मैंने इन्हें यूज़ कर लिया है तब मैं आपको इनके बारे में बताने वाली हूँ। सो ममा अर्थ ने एक्वाग्लो रेंज में 3 प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। फर्स्ट है ममा अर्थ एक्वाग्लो फेस वॉश विथ हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड, और ये जो है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में आता है। अभी आपको इंटेंस हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, साथ ही में ये सिलिकॉन ब्रशेस के साथ आते हैं तो इन्हें यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, आपकी स्किन अच्छे से क्लीन हो जाती है। नेक्स्ट ममा अर्थ ने लॉन्च किया है ममा अर्थ एक्वाग्लो फेस सीरम विथ हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड। इसे अप्लाई करने के बाद स्किन इतनी ज़्यादा सॉफ्ट एंड सपल लगती है, प्लस ये आपके स्किन को 72 आवर्स तक हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। एंड जो लास्ट प्रोडक्ट ममा अर्थ ने लॉन्च किया है वो है ममा अर्थ एक्वाग्लो जेल फेस मॉइस्चराइजर और 72 आवर्स हाइड्रेशन। ये कुछ इस तरह की ब्लू कलर के जार में आता है जो मुझे बहुत ही पसंद आया। मतलब इस बार की पैकेजिंग ममा अर्थ की टोटली डिफरेंट है, ब्लू एंड व्हाइट का कॉम्बिनेशन है। ऐसे ममा अर्थ की जो नॉर्मल पैकेजिंग होती है वो ग्रीन एंड व्हाइट में होती है, तो ये पैकेजिंग भी बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही कूल फीलिंग देने वाला। तो अभी की जो गर्मी है ना, इस गर्मी में इस प्रोडक्ट को यूज करके आप काफी ज्यादा अपनी स्किन को हाइड्रेट कर सकते हो एंड स्किन काफी ज्यादा कूल एंड हाइड्रेट रहेगी, तो आपको पिंपल्स एंड एक्ने की प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन एक्वाग्लो रेंज में हिमालयन थर्मल वाटर को यूज किया गया है जिनमें काफी सारे मिनरल्स होते हैं, जिनमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, साथ ही में स्किन हाइड्रेशन के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इस मॉइस्चराइजर के जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है हिमालयन थर्मल वाटर एंड हाइलुरोनिक एसिड। ऑल्सो ये जेल मॉइस्चराइजर है तो बहुत ही लाइट वेट है, क्विकली आपके स्किन पे अब्सॉर्ब हो जाती है और डीपली आपके स्किन पे पेनिट्रेट होता है और 72 आवर्स तक आपके स्किन को सॉफ्ट एंड सपल बनाए रखता है। स्किन काफी ज्यादा हाइड्रेट रहती है, कूल रहती है एंड साथ ही में आपकी स्किन काफी ज्यादा हेल्दी लगती है। ऑल्सो हिमालयन स्प्रिंग वाटर में जो मिनरल्स होते हैं एज ए एंटी ऑक्सीडेंट काम करते हैं एंड यदि आपकी स्किन यूवी रेज के कारण डैमेज हो चुकी है तो उसे भी ये रिपेयर करने में हेल्प करता है, आपके स्किन को हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ऑल्सो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है। तो इस एक्वाग्लो रेंज को आप ट्राई करना चाहते हो, आपकी भी स्किन डल एंड ड्राई है, तो डेफिनेटली मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी इन प्रोडक्ट को। क्यों? और ममा अर्थ के प्रोडक्ट में कोई भी हार्श केमिकल नहीं यूज किया जाता है, प्लस नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। जब भी आप ममा अर्थ में ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो आपके ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक प्लांट से जो कि वो खुद प्लांट करते हैं। साथ ही में इसी तरह से हम ममा अर्थ को सपोर्ट करते रहे तो ममा अर्थ का टारगेट है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज प्लांट करने, तो हमें डेफिनेटली सपोर्ट करना चाहिए। और अब ममा अर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया है जिसे कि आप डाउनलोड कर सकते हो, एंड्रॉइड एंड iOS दोनों के लिए अवेलेबल है, लिंक मिलेगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही में ये प्रोडक्ट आपको नायका, अमेजोन एंड ममा अर्थ की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, बट यदि आप ममा अर्थ की वेबसाइट से परचेस करते हो तो आपको यूज़ करना है ये कूपन कोड, इससे आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने ली है ये वाली रेड कलर की साड़ी जिसमें ना लाइनिंग बनाई हुई है छोटे छोटे बिल्कुल पतले पतले गोल्डन तार से, और ये साड़ी तो इतनी ज़्यादा अफोर्डेबल थी, लाइक मुझे 850 रुपीज़ में ये साड़ी मिली है। और इसका जो ब्लाउज़ है ना वो येलो कलर में बहुत ही खूबसूरत बनने वाला है, जैसे इमेज में दिखाया हुआ था सेम टू सेम वैसा ही ब्लाउज दिया हुआ है, जस्ट आपको बनवाना है कुछ इस तरह की। आपको फ्रंट मिल जाएगी, गोटा पत्ती का वर्क है एंड ये आपको बैक एंड स्लीव्स के लिए दिए हुए, लाइक ये नीचे वाली आपको बैक के लिए दी हुई है, ये जो दोनों आप देख रहे हो ये स्लीव्स के लिए दी हुई है। तो इस तरह से आपको व्हाइट गोटा पत्ती, व्हाइट भी नहीं है ये, सिल्वर एंड गोल्ड का मिक्स का बीच का कलर है, सैम्पेन कलर टाइप में, इसमें गोटा पत्ती का वर्क दिया हुआ है जो बहुत ही सुंदर लगेगी ब्लाउज बनने के बाद। साथ में आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह की साड़ी जो प्लेन नहीं है, ये आप देख सकते हो प्लेन साड़ी में इस तरह की लाइनिंग बनाई हुई है, बीच में ना बहुत पतले लाइक बहुत ही ज़्यादा पतले गोल्डन कलर के तार लगाए हुए हैं जो बहुत ही औसम लग रहे हैं। मतलब सामने से आप देखोगे तो ही साड़ी को समझ पाओगे, कैमरा में उतने अच्छे से नहीं दिख पा रहा है। और यहाँ पर ये पूरी गोटा पत्ती की लाइनिंग आपको पूरे साड़ी में मिल जाएगी कुछ इस तरह से। फुल लेंथ की साड़ी है, क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, इसका तो आप लेकर के कोई सरारा सूट वगैरह भी बनवा लो ना, स्कर्ट वगैरह भी, तो बहुत ही अच्छी लगेगी। बिकॉज सामने से जो इसका पैटर्न है ना, मैं कैसे दिखाऊँ आपको, सामने से जो इसका पैटर्न है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शाइनी है, तो ये साड़ी भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। नेक्स्ट जो साड़ी है वो ओनली है
440 rupees की, मतलब आफ्टर बैंक डिस्काउंट। तो ये साड़ी आपको 75% ऑफ में मिल रही थी मिंत्रा इंडो फ्रीजन सेल में, और मैंने आपको रिकमेंड भी किया था, मैंने आपको लिंक भी दिया था। इस साड़ी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। इस तरह का है ये कलर, सी ग्रीन टाइप के कलर में है, और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह की लेस मिल जाएगी, प्लस पूरे इसमें गोल्डन रबर प्रिंट है। और ये जो साड़ी है ना, मतलब आप फोल्ड करके कुछ इस तरह से भी वेयर कर सकते हो, लाइक यहाँ पे कुछ सुंदर सा स्टोन वाला ब्रेसलेट या फिर रबर बैंड लगा लिया और ऐसे करके पहना तो बहुत ही अच्छी लगेगी ये साड़ी। मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, फैली फैली वाली साड़ी नहीं है, आपके बॉडी को अच्छा सा शेप प्रोवाइड करेगी। तो इस तरह से है ये पूरी साड़ी, ये भी पूरी साड़ी प्लेन है, मैंने यहाँ पर प्लेन साड़ियाँ रखी हुई हैं, ताकि मैं हैवी साड़ी की वीडियोज़ तो मीशो की करती ही हूँ, आपने नहीं देखा तो आप जाके चेक कर सकते हो। रिसेंटली मैंने एक मीशो की बहुत बड़ी साड़ी ज्वेलरी बैंगल्स हॉल किया हुआ है, इसमें साथ में आपको मिल जाएगी कुछ इस तरह की गोल्डन कलर की ब्लाउज की फैब्रिक। आप इमेजेस देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने स्टिच करा के पहना है और बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। तो ये साड़ी भी मेरे तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, मतलब सारे ही साड़ियाँ मैंने 800 के अंदर में लिए हुए हैं और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए हैं। मतलब इस तरह की प्लेन प्लेन साड़ियाँ ना, सिंपल सिंपल मुझे पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जब भी मौका मिलता है, घर में कुछ फंक्शन वंक्शन हो, तो मुझे पहनना अच्छा लगता है। एंड जो लास्ट आइटम है वो है ये ट्राउज़र, ये कॉटन की ट्राउज़र है, ये है ब्रांड कौन सा ब्रांड था, ड्रेसबेरी से, और ड्रेसबेरी के फर्स्ट टाइम मैंने ट्राउज़र ट्राई किए हैं। ये फैब्रिक जो है बिल्कुल प्योर कॉटन की फैब्रिक है, और इसका प्रिंट मुझे बहुत ही डिफरेंट टाइप का लगा था, बहुत ही खूबसूरत लगा था इसका जो डिज़ाइन है, इसलिए मैंने इस ट्राउज़र को लिया हुआ है। और बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रहा था यार, आई थिंक 430 rupees में मुझे ये ट्राउज़र मिल गया था इंडो फ्रीजन सेल में, मतलब विशलिस्ट में था, तो मैं चेक कर रही थी, बहुत सारे प्राइजेस जो हैं अप एंड डाउन हो रहे थे, तो जब मुझे लिखा कि अरे यार इतने सस्ते में मिल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो ले लेते हैं, क्योंकि इसे आप सिर्फ घर पे ही नहीं पहन सकते हो, बाहर भी जा रहे हो ना तो भी इसे आप अपने सॉलिड टी शर्ट के साथ स्टाइल करोगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगोगे, मार्केट वगैरह भी पहन के जा सकते हो, इसलिए मैंने इसको लिया हुआ है। तो आपको भी अच्छे खासे प्राइस में मिल जाए तो आप परचेस कर सकते हो। वैसे इसकी प्राइस है 1549 rupees, पर मिली है ओनली 430 rupees में, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया है और मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। यहाँ पर ये बेल्ट टाइप की भी दी हुई है, जैसे कि आप टाई अप कर सकते हो। सो गाइज, ये थी मेरी मिंत्रा इंडो फ्रीजन सेल हॉल, यही सारी चीज़ें मैंने परचेस की थी इस बार सेल से, और ऐसे मैं शॉपिंग तो हमेशा करती ही रहती हूँ, तो इस बार मैं वीडियो बनाने में ज़्यादा बिजी थी, इसलिए ज़्यादा शॉपिंग नहीं कर पाई, उससे पहले ही मैंने काफ़ी कर ली थी और आपके साथ वीडियो में शेयर भी किया था। तो बस यही सारी चीज़ें थी, सभी की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसे इसके इनके प्राइस हमेशा ही कम ही रहते हैं, हाँ आपको सेल के टाइम पर 10-20% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाता है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी, एंड फिर मिलूंगी मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।